बसमिल रहीम अल्लाम कैसे हैं आप सब आई होप खुश हैं मज़े में हैं शुक्र अलहमदिल्ल हम भी ठीक हैं और आप सब ने कल वाला ब्लॉग बे इनतहा पसंद किया जिसका तह दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है और हमें नहीं पता था कि जो है आप सब इतनी भर भर की दुआएं देंगे और आप सब ने हमें बहुत प्यारी दुआएं दी और साथ में आपने मेरी तकलीफ़ और दर्द को समझा और अंदाज़ा लगाया और समझ में आई मेरी बात तो आपने आप लोगों ने ख़ुद कमेंट सेक्शन में कहा कि आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकें यार जब माँ बाप बहुत गरीब होते हैं और वो आ, अपनी बेटी की शादी जो है कैसे कैसे परेशानियाँ उठा के और कैसे कैसे इंतज़ाम करके करते हैं तो फिर एक लड़की को सोचना पड़ जाता है तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये बुढ़िया के बाल हैं किस किस ने खाए हैं आपने खाए है और इससे पहले जो हमने आपको दिखलाया है वो नमकीन खजला था यानी कि देवा देवा मेला जो चल रहा था अब तो ख़त्म हो गया है तो ये वहाँ से आया था तो हमने कुछ ऑनलाइन मंगाया था क्या मंगाया था <laughs> जी हाँ हमने कहा था ना कि शादी जो है शादी में जाना है धीरे धीरे चीज़ें कुछ ऑनलाइन मंगाएंगे कुछ जा कर के ख़रीदेंगे तो बस वही सारा सिलसिला जो है चालू हो चुका है तो यहाँ पर जो है हमने सूट मंगाया था तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही हमें पसंद आया जो इसका फैब्रिक इतना अच्छा था इसे भी हम आपको ओपन करके दिखलाते हैं तो आप मेरा सूट देखते रहिए और आज मेरा फिर से दिल कर रहा है कि जो मौजू पे हमने कल बात की उसी मौजू पे हम आपसे जो है आज भी इस ब्लॉग में बात करें तो माँ बाप तो अपनी लड़की की शादी सब कुछ सोच समझ कर अच्छे से करते हैं लेकिन बस ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर माँ बाप का फैसला अपनी औलाद के लिए अच्छा हो कुछ बात नसीबों की भी होती है और कुछ बात लोगों के धोखे की भी होती है तो मेरे ससुराल वालों ने वाकई में हमें बहुत बड़ा धोखा दिया मेरी सास मेरी सास ने जो है मेरे साथ इतना जुल्म किया इतना जुल्म किया कि कल ब्लॉग में वॉइस ओवर करने के बाद पूरी रात जो है हमें नींद नहीं आ पाई क्योंकि हम फिर से उसी ख्याल में चले गए थे और सुबह से भी उसी ख्याल में हैं क्योंकि हमको याद आ गई कि उन्होंने हमें कितनी ज़्यादा अजियत दी थी भूखा रखा हमें हमें हर एक चीज़ के लिए तरस आया तो ये देखिए बच्चे जो हैं देवा मेला से अपने लिए कितनी ज़बरदस्त सी कार लेके आए थे कार और एरोप्लेन इसमें एक साथ है तो सूट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो जो है सुबह जो है चाय वगैरह हो गई थी और जो देवा मेला से नमकीन खजला आया था तो चाय के साथ हम लोगों ने वो ले लिया था और साथ में पापे वग़ैरह थे तो ये दिन का वक्त है दिन में हमने जो है गोश्त बनाया था और ये है नान और साथ में है नमकीन चावल तो खाना वगैरह खा लिया था उसके बाद जो है शाम की चाय वग़ैरह हो गई तब तक हमने कुछ भी नहीं शूट किया दिल ही नहीं कर रहा था हमने कहा ना मेरा माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो दिवाली की वजह से जो है अभी बहुत सारे मॉल्स में बहुत सारी शॉपिंग के ऑफ़र चल रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है वी मार्ट हमारे यहाँ बाराबंकी का है ये जो फैज़ाबाद रोड पर है तो वहाँ पर भी जो है बर्तनों का बहुत सारा बहुत अच्छा जो है ऑफ़र लगा हुआ था खैर बर्तनों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे ख़ुद के अपने इतने सारे बर्तन हैं लेकिन YouTube वाले बर्तन मेरे पास नहीं है अगर अभी हम YouTube की कुकिंग के लिए बर्तन ख़रीदते हैं तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चे ने जो है अभी कोरोना काल में कोरोना शुरू होने से पहले इतने सारे पतीले बर्तन सिलेंडर इतना बर्तन है इतना बर्तन है कि अगर मेरी दो बेटियाँ होती हैं तो हम शादी करते हैं तो हमें उन्हें दहेज में देने के लिए बर्तन नहीं चाहिए होता सच कह रहे हैं <laughs> यानी जो बड़े बर्तन होते हैं वो तो जो है फिर पहली जगह होनी चाहिए वो सारे बर्तन मैंने एक जगह डाल के रख दिए हैं लेकिन अब मेरे पास फ़िलहाल मेरे घर में और बर्तनों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है तो यहाँ पर देखिए विंटर का कलेक्शन जो है आ चुका है तो हमारे साथ हमारा बड़ा बेटा है और मेरा जो है छोटा वाला भतीजा रहीम नवाज़ वो साथ में है तो हम लोगों ने चीज़ें देखी लेकिन कपड़े वग़ैरह जो है हमें बहुत महंगे लगे महंगे लग रहे थे इसलिए हम लोगों ने मतलब चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बंदा तभी लेता है जब उसके बजट में चीज़ें बैठती हैं या फिर जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो कीमत जो उसकी आया होती है तो वो आ, मतलब चीज़ जो है उस कीमत के लायक हो तो हमें जो है चीज़ें उस कीमत के लायक नहीं लगी <laughs> तो बस हम लोगों ने नमाज के लिए एक प्यारी सी टी शर्ट ले लिया था बकिया जो है कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी हाँ मुझे यहाँ पर ये आप जो वॉच देख रहे हैं जिसके ऊपर ये पिंक डायल है वो बहुत अच्छी लग रही थी वॉच लेकिन वॉच हम पहनते हैं सिर्फ शादी वगैरह में जब जाते हैं तो फालतू की चीज़ें खर्चा करने की क्या ज़रूरत है <laughs> तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिया तो हाँ हम बात कर रहे थे अपनी ससुराल की और आपको एक बात बताते चलें मेरी ससुराल में मेरे ससुर ने बहुत अपना नाम कमाया और बहुत पैसा कमाया लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का कि जो पैसा आपके बच्चे आपकी इज्जत ना करें उनको बैठने की तमीज़ ना हो चलने का सलीका ना हो खाना भी वो जानवरों की तरह खाते थे आप सोचें कि सुबह हम पाँच लीटर चाय बनाते थे कभी चार लीटर कभी पाँच लीटर और जो मेरे देवर होते थे पूरे आदि मानव थे पूरा पूरा पतीला वो चाय का उठा ले जाते थे और हमें चाय भी पीने को नहीं मिलती थी और दूसरी चीज़ आप सोचिए कि लखनऊ शहर लखनऊ शहर की लड़की और उसे किसी गांव के अंदर ले जा कर के आदिवासियों के बीच में झोंक दिया जाए जानवरों के बीच में तो उस लड़की की ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा कितना बुरा और ऊपर से उसका शौहर भी पागल दीवाना जिसे जो है हर दो दिन के बाद पागलपन के दौरे पड़ते थे ऐसी फूटी किस्मत ऐसी फूटी किस्मत की हम आपको बता नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं अब आप माँ बाप की ग़लती समझ लीजिए या मेरे नसीब का खेला समझ लीजिए लेकिन आ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं मैं आपसे क्या शेयर करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बातें बहुत सारी हैं जो बात शुरू करते हैं फिर उसमें दूसरी बात याद आ जाती है तो जो है फिर सोचते हैं ये वाली बात कट करें क्या करें क्या नहीं और मेरी सास मेरी सास को हम ऐसे ही डायनासोर नहीं कहते मैंने बहुत सारे ब्लॉग में उसको डायनासोर बोला डायनासोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेरा मेरे बेटों का हक वो खा गई वो कहती है कि हम अपने दामाद को देंगे आ, मेरी बेटियों का हक है अब आप बताओ कि कौन अपने बेटे मरे हुए बेटे के बच्चों का हक उठा करके दामाद को देता है उसने हमसे ऐसे ही कहा कि हमारी बेटी का है जो मेरे शौहर के नाम से प्लॉट था फैज़ाबाद में उसने उसको जो है हमको मतलब दे देती तो हम अपना घर बना लेते बच्चे दुकान कर लेते खेत में हिस्सा था वो कहती है कि हम देंगे ही नहीं अब आप सोचिए कि कोई यतीम बच्चे का हक मारता है तो उसका क़ब्र क्या हाल करती है उसका कब्र क्या हाल करेगी या अल्लाह के यहाँ उसका क्या होगा वो अपने आमाल और अपने आख़रत के लिए उसने अपने अमाल इतने ख़राब कर लिए हैं कि उसकी आखरत का क्या बनेगा उसे डर भी नहीं लगती है उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके आ, मतलब उन उनके जो उसको किसी बात का डर ही नहीं है हमारे नबी ने हमें कितनी प्यारी प्यारी जो है बातें सिखाई हैं अगर एक भी वो प्यारी बातें सीख लेती तो वो सच में मुसलमान होती वो सिर्फ़ नाम की वो औरत सिर्फ़ नाम की मुसलमान है सिर्फ़ नाम की लेकिन उसका काम उसका आमाल कुछ भी नहीं अच्छा है आप सोचें कि मेरे शौहर के इंतकाल को तकरीबन पच्चीस छब्बीस साल सत्ताईस साल हो गए शायद आज तक उसने मेरे बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा उसने आज तक मेरे बच्चों को आज तक एक कॉल नहीं सामने से कि मेरे बच्चे उसके घर कभी गए तो उसने दस रुपए भी हाथ पे नहीं रखे जबकि वो करोड़पति औरत है और इतनी चलाक थी कि आ, मतलब अपने ससुर के मेरे मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी तो बस इसी बात का जो है उसको घमंड कि मेरे पास बहुत दौलत है और अपनी सास को वो डरा के रखती थी कि हमसे अगर घर का काम करवाया तो हम पुलिस की लड़की हैं तुमको जेल की हवा खिलवा देंगे बेचारी मेरी दादी सास इतनी सीधी थी इतनी सीधी थी कि हम आपको बता नहीं सकते आप ये सोचें कि जो मेरी सास थी ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक दरियाई घोड़ा डायनासोर मगरमच्छ है और चक्कर तो बहुत जल्दी आता है जो औरतें बहुत जल्दी आंसू गिराती हैं बहुत जल्दी जो है चक्कर आने लगते हैं वो दुनिया की जो है औरत बहुत ही ख़तरनाक होती है जो औरत बहुत ज़्यादा आपा आपा ए बहन करती है मतलब मेरा मेरा पर्सनल पार्स, तजुर्बा है कि ऐसी तो ऐसी औरतों से बच के रही है ऐसी औरतों से जो बच गया समझ लो वो बच गया और यहाँ पर जो है मॉल से हम आ गए थे और यहाँ पर आकर जो है फटाफट से जो है हमने कलेजी बनाई और रोटी बनाया चावल बनाया और अरहर की दाल बनाई तो बच्चे जो है हमारे शौक़ से कलेजी खा लेते हैं और अम्मी को तो बेहद बेहद पसंद है अगर आपको हमसे और भी कोई सवाल करने होंगे मेरे ससुराल के मुताबिक तो इन शाह तला बहुत तफसलियात से जो है सारे सवालों के जवाब देंगे और आप सब ने मेरा ये वाला ब्लॉग जो कल गया है यानी कि मेरे शौहर के मतलब तो पसंद किया है उसका लिए उसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया बहुत सारी बातें हैं यार बहुत सारी बातें आपको हम बताएँगे कि मेरे शौहर क्या क्या हरकतें करते थे अपने पागलपन में तो आप जो है ताज्जुब करोगे और आपको जो है सुन कर के आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और मेरी सास ने मेरी सा, मेरे शोहर का तो जो जुल्म मेरे ऊपर पागलपन का था ही था मेरी सास उसके ऊपर हमें खाना नहीं देती थी खाने में ताला मार देती थी तो सोचिए कि हमने कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी अपनी यानी कि चौदह साल की जो एज होती है तब से शादी ले करके और अठारह साल की उम्र में शोहर का मेरे इंतकाल हो जाना और इन चार सालों में मेरी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ देती इतनी तकलीफ़ देती और महके में भी आने के बाद कोई ज़िंदगी बहुत खुशहाल नहीं रही सुख से नहीं भरी रही ये रहा कि जो है स्ट्रगल करते रहना पड़ा अपने बच्चों के लिए तो ये भी स्ट्रगल की कहानी हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे और ताकि जो है मेरी कहानी सुन कर के हमने अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट किया कैसे मैनेज किया उससे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं लेते हैं इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा अपना भी ख्याल रखिएगा अपनों का भी ख्याल रखिएगा मिलते हैं फिर आपसे अल्लाह हाफिज़ बाय बाय